जनानां यद्गानं भ्रमति मीरहानं वितनुते पदाम्भोज ध्यानं दिशति परमानंद पदवी स्मरामि प्रातस्तं प्रणत जनता जुष्ट चरणम् अखंडानंदम श्री गुरुवर महं ब्रह्म परमं मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं अरतिर्जन संसदी। आइए श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, भगवान यद्यपि सम्रांगण में दोनों सेनाओं के द्वारा शंख बजा दिए गए हैं, पर भगवान का कौशल देखिए, अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके और कहा कि जो तुम देखना चाह रहे थे देख लो। देखा अर्जुन ने, और वही अर्जुन शोक और मोह को प्राप्त हुआ। भगवान भाष्यकार ने लिखा है कि भगवान को गीता का उपदेश देना था, इसलिए अर्जुन में, जो कि नर के अवतार हैं, मोह प्रकट किया। और इसी गीता का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान के साधन बड़े धैर्य के साथ 20-20 साधन आगे चल के 15वें अध्याय में एक ही श्लोक में कर देंगे, 6 साधन में ही निपटा देंगे, वही ज्ञान के साधन, यानी 6 में ही अंतर्भाव हो जाएगा सबका। तो आज का जो प्रसंग है, मुझमें अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति, ये 16वां साधन है। इस श्लोक में जो अभी मैंने पाठ किया, 3 साधन हैं। एक है भक्ति, दूसरा है विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश का सेवन, और तीसरा है अरतिर जन संसदी, लोगों की भीड़ भाड़ में अरति यानी रुचि न होना। तो हम आज भूमिका के रूप में इस 16वें साधन यानी भक्ति को लेकर भगवान कैसे इसको ज्ञान का साधन बता रहे हैं, कुछ चर्चा यहाँ मैं रखना चाहूँगा। आनंद रस रत्नाकर के इस समय जो पृष्ठ चल रहे हैं जून महीने के, उस ग्रंथ में संकलन किया है परम पूज्य महाराज के प्रवचनों का। तो पुरुषोत्तम योग के प्रवचनों में से जो संकलन है, वहाँ 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ज्ञान चक्षु, ज्ञान के साधन में वही बताया जा रहा है।
और भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि लोकेश्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिन। तो ज्ञान चक्षु वाला तो देख लेता है और बाकी जो हैं वो नहीं देख पाते। तो वहाँ पर मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है कि अगले श्लोक में, ग्यारहवें श्लोक में कह रहे हैं, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्। योगी भी, तो वहाँ परम पूज्य महाराज ने छठे अध्याय का अंतिम श्लोक जहाँ भगवान ने संकेत किया कि वो जो योगियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है, जो श्रद्धा भक्ति का अवलंबन लेकर और साधना कर रहा है। तो ऐसे योगी को भी यत्न करने पर, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्, यानी सिर्फ ज्ञान चक्षु वाले का वो तो समझ ली कि साक्षात साधन है, पर परंपरा साधन के रूप में भगवान भाष्यकार ने जहाँ जहाँ इस प्रकार का प्रसंग आया है, श्रीमद् भगवद् गीता के अपने भाष्य में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अंतःकरण शुद्धि, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान प्राप्ति और अंत में ज्ञान निष्ठा। तो अंतःकरण शुद्धि द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति है, यानी कि परोक्ष ज्ञान और फिर अपरोक्ष ज्ञान के रूप में ज्ञान निष्ठा, तो ये जो यत्न करने वाले योगी हैं, तो इन योगियों में चूंकि भगवान ने गीता में दो ही निष्ठा का वर्णन किया है, तो कर्म योग में भक्ति का समावेश है। तो भक्ति को यहाँ भगवान 16वें साधन में ज्ञान का साधन बता रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी ने जो 13वें अध्याय पर एक एक श्लोक पर विस्तार में चर्चा की है, उसी को बाद में सुनकर लिख लिया गया, ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना, ये जो ग्रंथ मेरे सामने है, 20 पृष्ठों में इस 16वें साधन को लेकर महाराज जी ने बड़े विस्तार में चर्चा की। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है कि ज्ञान के लिए जिस भक्ति को भगवान साधन बता रहे हैं वो कौन सी भक्ति है। आप देखिए 18वें अध्याय में जहाँ भगवान उपसंहार करेंगे, वहाँ भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। इसी श्लोक को लेकर भगवान मधुसूदन सरस्वती जी ने भगवान भाष्यकार से कुछ हटकर अपना भाव वहाँ प्रकट किया है और साथ ही साथ भगवान भाष्यकार को प्रणाम भी किया है, क्योंकि पूरा का पूरा गूढ़ार्थ दीपिका मधुसूदन सरस्वती जी शुरू में ही प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान भाष्यकार के अनुरूप ही मैं ये व्याख्या करने जा रहा हूँ, उनके भाष्य की ही व्याख्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो श्लोक है 55वां 18वें अध्याय का, मधुसूदन सरस्वती जी का ये मानना है कि ज्ञान निष्ठा की परिणति इसी श्लोक में है, और वो कहते हुए ये भी कह देते हैं कि भगवान भाष्यकार ने ऐसा नहीं माना। उन्होंने 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये प्रसंग मैंने यहाँ क्यों उठाया कि स्वयं आप देखें कह रहे हैं कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। भक्ति से
भगवान भाष्यकार वहां लिखते हैं स्पष्ट, कौन सी भक्ति, चतुर्विधा भजन्ते माम, में जो चतुर्थी भक्ति यानी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु वाली नहीं, आर्तो आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ये वाली भक्ति नहीं, चतुर्थी यानी ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यही जो ज्ञान का साधन बता रहे हैं, इस भक्ति के द्वारा माम अभी जाना थी, ये है भगवान भाष्यकार का मत। और इनका क्या मत है, मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि संन्यास पूर्वक श्रवणादि के परिपाक सहित ज्ञान निष्ठा ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इत्यादि में इसका उपसंहार हुआ है। अच्छा, अब देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भाष्यकार तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य इसके द्वारा सर्वकर्म संन्यास का अनुवाद करके मामेकम शरणम व्रज, इससे ज्ञान निष्ठा उपसमृत हुई है। अब यहाँ पर बड़ी विनम्रता से मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के यानी भगवान कृष्ण ये भगवद गीता में जो श्लोक बोल रहे हैं, भगवान के अभिप्राय का वर्णन करने में हम क्या हैं, कुछ नहीं है। परम पुरुष भगवान का ये गीता नामक वचन वेदवाणी का रहस्य है, इसकी व्याख्या कौन अत्यंत अनिपुण व्यक्ति कर सकता है। मैंने तो जो इसमें किसी प्रकार भी यह बचपना किया है, वह भी अहेतुक स्नेह करने वाले महापुरुषों के कौतुक के लिए ही है। आपको याद होगा कि जब अलाद शांति पर प्रवचन कर रहे थे हमारे मौनी जी महाराज, उन्होंने बताया कि आनंद गिरी जी ने भगवान भाष्यकार से हटकर कुछ बात लिखी है, उसका उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया, पर बड़ी अच्छी बात ये बताई कि ये उनका व्यक्तिगत मत है। हम लोग ज्ञान संप्रदाय में भगवान भाष्यकार को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, इसलिए ये महापुरुष लोग भी जो टीका कर रहे हैं अपने संस्कारों के कारण, कहीं उनको लगता है कि ऐसा ही उचित है तो कह तो देंगे, पर साथ में ये भी लिखेंगे कि इसमें हमारी बुद्धि जो है वो प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो भगवान शंकराचार्य ही हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि अब ये जो ज्ञान का साधन भगवान बताने जा रहे हैं भक्ति को, तो महापुरुषों का ये कहना है कि भक्ति की महिमा क्या है। भक्ति की महिमा यही है कि जो देहाभिमान है, ये देहाभिमान को भक्ति समाप्त प्राय कर देती है, 1% ही बचता है, और वो क्या है, वो है जिसको कहते हैं कि ब्रह्मात्मे के बोध के बिना उसका हटना संभव नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हमको भगवान कृष्ण ने दर्शन देके महावाक्य का उपदेश किया, परंतु शास्त्रों में वो जो उपदेश है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा होना चाहिए। तो भगवान की कृपा देखिए, महर्षि कहते हैं कि भिक्षु शंकरानंद जी ने हमको वह ज्ञान का उपदेश किया, यानी शास्त्रों में जो बात है उस पे मोहर लगा दी। तो भगवान का दिया हुआ जो महावाक्य है तो उसमें न्यूनता क्या है, वहाँ पर
विद्वानों ने विचार किया है कि वो जो अलौकिकता है भगवान की, वो जो उनका ऐश्वर्य है, उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हटेगी। जब हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति, यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, इसीलिए वेदांत में कहा गया है कि जीवंत गुरु की अनिवार्यता है। ये ठीक है, हम ठाकुर जी को माने अपना गुरु, परंतु महावाक्य का उपदेश कौन करेगा? स्वयं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। तो यही भगवान के अवतार हैं, जो सद्गुरु हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने 7वें अध्याय में इस बात को समझाया है कि ये जो आर्थ भक्त है, जो अर्थार्थी भक्त है, और ज्ञानी और जिज्ञासु को छोड़ दीजिए, पर आर्थ और अर्थार्थी भक्त जाते हैं किसके सामने? अर्थार्थी भक्त लक्ष्मी जी के सामने, आर्थ भक्त उसके जो भी इष्ट हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, देवी हो। जिज्ञासु भक्त कहाँ जाएगा? वहीं पर 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग महर्षि का छपा है, वहीं पर महर्षि ने इस बात को समझाया है कि जिज्ञासु भक्त के लिए जो सद्गुरु हैं वो ही भगवान हैं। तो महर्षि अपने जीवन की बात बता रहे हैं कि हमको भिक्षु शंकरानंद जी ने वो जो महावाक्य का उपदेश किया, हम तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में ही थे, पर उन्होंने कहा कि वस्त्र कैसे भी क्यों न हो, लाल हो चाहे सफ़ेद हो, ये मैं तुमको ज्ञान दक्षिणा दे रहा हूँ। तुमने हमको भागवत सुनाई है, तो महर्षि वहाँ लिखते हैं कि भागवत में आया है कि ये जो ज्ञान का उपदेश है ये भी दक्षिणा है। आज से तुम अपने को कभी जीव नहीं मानना, तुम साक्षात नारायण हो। परम पूज्य महर्षि कहते हैं कि उस उपदेश के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि हमने अपने जीवन में कभी अपने को जीव नहीं माना। तो ये जो सज्जनों 1% जो बच जाती है, उसके लिए सबसे पहले तो ये जो भक्ति है वो क्या करेगी कि ये जो देहाभिमान है हमारा, उस देहाभिमान को निवृत्त कर देगी। अब ये जो साधक है, साधन चतुष्टय संपन्न, अब महावाक्य का उपदेश काम करेगा। महर्षि की साधना को देखिए, ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत, और उसका फल क्या होता है अभी अभी आप सुन रहे हैं कि महावाक्य का उपदेश हुआ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा, और हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान की निवृत्ति। इसी को कल मैंने रखा था, जो संशय और विपर्य रहित ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। राजा नहुष को वह ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे अजगर बनना पड़ा, उन्मत्त हो गया। जब स्वर्ग का राजा बना दिया गया, ऐश्वर्य का जो भोग किया उसने, तो कहता है कि हमको इंद्राणी चाहिए। इंद्राणी बेचारी घबरा गई, बृहस्पति जी के पास गई। बृहस्पति जी ने कहा कि तुम जगत जननी जगदम्बा का अनुष्ठान करो। अनुष्ठान बताया और देवी ने कृपा की। देवी ने कहा कि ठीक है, उनको ये कहला दो राजा नहुष को कि वे ऐसी सवारी पर आवे जो आज तक किसी ने नहीं की। सप्त ऋषियों को लेकर और अपनी पालकी वो ढुलवाने लगा, और इतना बेचैन था ऋषि लोग, चल रहे थे धीरे धीरे, अगस्त के सिर पे लात मारी सर्प। सर्प कथा आप सब लोगों को पता है। तो ये जो युधिष्ठिर का प्रश्न था कल, जो मैंने बात बताई थी कि आपको ये इतना वेदांतों का ज्ञान है,
तो ये अजगर की योनि आपको कैसे प्राप्त हुई? तब उन्होंने रहस्य बताया। तो महर्षि कहा करते थे कि वहाँ बनारस में ऐसे ऐसे विद्वान जो कि ये वेदांत पूरा का पूरा कंठस्थ भाष्य कोई भी पंक्ति लगा दे। हमने पूछा महाराज इसका अनुभव, स्पष्ट कहा कि अनुभव जो है वह तो महात्माओं के पास है, हमारे पास नहीं। तो ये जो संक्षेप में मैंने परम पूज्य महर्षि की बात रखी, उनकी साधना, वो एक ज्ञान परंपरा जो है उस ज्ञान परंपरा के अनुसार जब हम अपनी साधना करेंगे तब ये बातें समझ में आवेगी कि ये जो भक्ति है वो कैसे ज्ञान का साधन है। ये देहाभिमान ही तो बीच में रोड़ा है और इसी का तो निवारण नहीं कर पा रहे। राजा नहुष का ये देहाभिमान ही तो था कि वो इंद्राणी चाह रहा था। विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु से, ज्ञान चक्षु परम पूज्य महर्षि बंबई का एक भक्त, बंबई में ही ये घटना है, आते रहते थे वृंदावन, पर मन में एक प्रश्न था तो महर्षि जो बंबई में थे तो मैं भी बैठा था, पूछा, बल्कि एक सुझाव वो दे रहा था। क्या सुझाव था? कि अन्न क्षेत्र में आप जो साधुओं को बंटवाते हैं वहाँ तक तो ठीक है, पर ये साधुओं के बाद में जो भिकमंगे और जो बच्चे उनको भी दिया जाता है, ये तो भिकमंगी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, बंबई का एक भक्त है तो ऐसे उसके संस्कार जो हैं उसके अनुसार ही वो अपना सुझाव रख रहा है। परम पूज्य महर्षि ने जब उसकी बात सुनी गंभीर हो गए और बोले कि बेटा तुमको भिकमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। ये जो ज्ञान चक्षु से ये जो दर्शन है वो दर्शन कुछ और है, मेरा ही सब स्वरूप है, सियाराम मैं सब जगह जानी, ये तो बिल्कुल अपने जगह पर है ही है, पर भक्ति का जब पर्यवसान ज्ञान निष्ठा में होगा, यानी ज्ञान के साधन के रूप में है ना भक्ति, तो वो जो ज्ञान निष्ठा है उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति। कल वाले प्रसंग में मैंने बताया कि भगवान शिव, नारद जी, सनत सनंदन, सनत कुमार, इनकी जो भक्ति है वो तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो उनको वही दृष्टि प्राप्त है जिसका यहाँ जिसकी चर्चा की जा रही है। तिरुपति बालाजी में एक भक्त प्रयत्न कर रहा है, जो लोग गए हैं तिरुपति बालाजी, मुश्किल से हम अर्चा विग्रह के सामने आते हैं तभी तक धक्का देके हमको, यानी घंटों की पंक्ति वहाँ जो कतार है उसके बाद तो समय आता है कि अब तिरुपति बालाजी का हम दर्शन करें, और बालाजी का दर्शन करें न करें उसके पहले ही हमको वो जो भीड़ का धक्का है वो आगे बढ़ा देता, यानी हो गया समाप्त। ये जरा थोड़े बलशाली थे तो खड़े हो गए, अब वो धक्का लग रहा है तो उन्होंने जोर से धक्का दिया, यानी हमको धक्का मत दो, हम अभी दर्शन करेंगे, पर देख रहे हैं कि दर्शन नहीं हो रहे हैं, अर्चा विग्रह तो सामने है, दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अंदर वो जो भक्ति थी ना, उस भक्ति का प्रभाव देखिए, अंदर आवाज़ आई कि मैं दर्शन कैसे दूं, तू तो मुझे धक्का लगा रहा है। यानी ये जो धक्का लगाया जा रहा है वो कहाँ हमको समझ में आ रहा है कि हम भगवान को धक्का लगा रहे हैं? ये थोड़ा बलशाली था। महेशानंद गिरिजी महाराज ने एक प्रसंग लिखा है, बोले कि एक हमारे मित्र
उन्होंने बुलवाया हमको, हम गए वहाँ। बोले हमारे गुरु जी का साल में एक बार उत्सव होता है एक दिन का, सुबह अन्न क्षेत्र बंट रहा था, हमको भी कहा कि आप भी रहिएगा। अब वो साल में एक बार उत्सव हो रहा है तो बहुत भीड़ थी, तो उस भीड़ में उसको कंट्रोल कैसे करें भाई, बांटने की जो वस्तु वो तो बांटी जाए, पहले लोग कतार में तो लगे। महंत ने बहुत कोशिश की, नहीं मान रहे लोग, नहीं मानते, आप लोगों को पता है, लाठी थी हाथ में, लाठी चला दी। महेशानंद गिरी जी कुछ नहीं बोले, वो लिखते हैं कि बाद में हमने अपने मित्र के साथ वार्ता की कि आपका जो ये वार्षिक जो पर्व होता है तो इसमें आपने जो आज लाठी चलाई वो भी इसका अंग है क्या, ये जो उत्सव है उसी का अंग है क्या। बड़े लज्जित हुए महंत, बोले कि महाराज अंग तो नहीं है, पर क्या करें ये लोग मानते नहीं हैं। वहाँ महेशानंद गिरी जी ने उनको कुछ नहीं कहा, पर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी काम की बात लिखी है कि अगर ये महंत उपासना किया होता तो कभी भी ये चलते फिरते जो भगवान हैं उस पर लाठी नहीं चला सकते। अर्चा विग्रह में जो अब हम भगवान को मानते हैं तो ये जो चलता फिरता जो भगवान का परमात्मा का स्वरूप है, तो ये प्रत्येक चैतन्य भिन्न आत्मा रूप से ये जो ज्ञानी को अपना ही सर्वत्र दर्शन होता है सर्वात्म भाव, उस ज्ञान के लिए ये भक्ति जो है वो साधन है। वो कैसी भक्ति है इसकी चर्चा स्वयं महर्षि करेंगे। 20 पृष्ठों में इस विषय को इसलिए लेना पड़ा कि ये जो ज्ञान के अंग के रूप में भक्ति बताई गई है उसका क्या स्वरूप है वो हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो आज भूमिका में ये कुछ प्रसंग मैंने इसलिए रखे हैं कि जब भगवान कहते हैं कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये सब विमूढ़ हैं, जिनको भिकमंगे दिख रहे हैं, भले वो सत्संगी हैं, भले वो वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं, सहज कि तुमको भिकमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है, अपना ही स्वरूप। तो ये जितने प्रसंग हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, ज्ञान चक्षु वाला वो जान रहा है। वहाँ पर प्रश्न उठता है कि राजा जनक ये भी ज्ञानी है और वो जो अपराधी है उसको फांसी की सजा दी जा रही है, किसके द्वारा, राजा जनक के द्वारा, ये कैसे संभव है। तब वहाँ विद्वानों ने इसको समझाया है कि राजा जनक जान रहे हैं कि वो जो फांसी देने वाला यानी जो ऑर्डर कर रहा है वो भी मैं हूँ और फांसी पर जिसको लटकाया जा रहा है वो भी मैं हूँ। इसी को भगवान ने अपने शब्दों में कहा 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझे छोड़कर और कुछ नहीं है। तो सगुण निर्गुण उभयविद जो हमारे ज्ञान संप्रदाय में चर्चा है उसको दिखाना बहुत जरूरी है। यदि हम सिर्फ निर्गुण का प्रतिपादन कर देते हैं, सगुण को छोड़ देते हैं, वो भी अधूरा है। यदि सिर्फ सगुण का प्रतिपादन कर देते हैं, निर्गुण को छोड़ देते हैं, वो भी अधूरा है। संक्षेप में ये जो सनातन धर्म है ये विशाल वटवृक्ष है। संत लोग समझाते हैं 1,00,000 मंत्र जो है वेदों के, 80,000 मंत्र कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। जब तक ये विशाल वटवृक्ष का पूर्ण रूप से हम आत्मसात नहीं करते तब तक हम अल्पश्रुत हैं। अल्पश्रुत से शास्त्र घबराते हैं कि ये हमारा ये गड़बड़ करेगा, क्यों, अल्पश्रुत है। बहुश्रुत भी अगर सज्जन नहीं है, मलिन है,
उससे भी शास्त्र घबराते। तो ये जो विद्वान लोग हैं वे भी गड़बड़ करते हैं, सज्जन जो बहुश्रुत हैं वही शास्त्र के साथ न्याय कर सकते हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको महाराष्ट्रि इस परंपरा में प्राप्त हुए और उन्हीं के जो उन्होंने व्याख्या की है उसी को आधार बनाकर इस 16वें साधन को हम क्रम क्रम से समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।